विहाड़ी में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई। रैली डीसी कम्प्लेक्स विहाड़ी से शुरू होकर वी चौक तक निकाली गई। रैली की क्यादत डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मोहम्मद फजल अफजाल चौधरी और MNA ताहर इकबाल चौधरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद तारक अजीजल ने रैली की क्यादत की। ताजर बरादरी बुकला कराम मुलाजमीन खवातीन और शहरियों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। रैली में पाकिस्तान और कश्मीर के परचम लहराए शुरू कर रैली ने कश्मीर हमारा है और कश्मीरियों से रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे भी लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मोहम्मद फजल अफजाल चौधरी ने कहा कि यौम यकजहती कश्मीर मनाने का मकसद मकबूजा कश्मीरियों से अजहार यकजहती और भारतीय मुजालिम को उजागर करना है। पूरी दुनिया मसला कश्मीर को इंसानियत की आंख से देखे। आजादी कश्मीरियों का हक है। पाकिस्तान हर सतह पर कश्मीरियों की हमायत जारी रखेगा। कश्मीरियों के खिलाफ सफारती हमायत जारी रखी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मोहम्मद फजल अफजाल चौधरी ने कहा। विहाड़ी MNA ताहर इकबाल चौधरी ने कहा की हर फोरम पर दुनिया में कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय मुजालिम को उजागर किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम एक दिन खाक में जरूर मिलेगा। यौम यकजहती कश्मीर मनाने का बुनियादी मकसद मकबूजा वादी कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम और रियासी तशद्दुद के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। कश्मीरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। भारतीय मुजालिम कश्मीरियों का जज्बा आजादी को दबा नहीं सकता। DPO विहाड़ी तारक अजीज ने कहा की जुल्म सितम का सामना करने के बावजूद कश्मीर अवाम ने खुद को कभी भारत के आगे झुकने नहीं दिया। इस दिन को मनाने का मकसद कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती करना और ये वरा करवाना है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। कश्मीर ही भारतीय जुल्म सितम और बर्बरियत का शिकार है। कश्मीरियों की सियाह रात जरूर खत्म होगी। इस मौके पर ADC ने रेवेन्यू सैफुल्ला साजद, AC विहाड़ी सैयद वसीम हसन, CO एजुकेशन मोहम्मद सहेब इमरान, CO हेल्थ डॉक्टर अंजम इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन मियाँ नईम आसम, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर राना मोहम्मद आरफ, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर मोहम्मद शुबान, CO जिला कौंसल नासर नुमान, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल शहजाद फरूख खोखर, सिविल डिफेंस ऑफिसर खालिद करीम, सदर इंजमन ताजर आन अरशाद हुसैन भट्टी, जनरल सेक्रेटरी राव खलील, एडवोकेट साइमा नूरीन और दीगर महकमों के जिले ऑफिसर आरान ने भी मौजूद थे।